की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में किसी को शरीक ना गिराए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حي النجمة دين من لبايو घरों में पर्दा नशीन माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ बड़ाई बुजुर्गी हमदोसना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तने तनहा सारी कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिर इंसुजा है, जिसकी कुदरत जिसकी ताकत और जिसकी सल्तनत में सारी कायनात की बादशाहत है। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमारे आखिर नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात वालों के लिए बशीर व नदीर बनाकर भेजा। दीन मिल्ली भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नेमत है कि हम सब इस मस्जिद के अंदर इकट्ठे हुए हैं। हम में से हर इंसान किसी ना किसी एतबार से ताजिर हुआ करता है, इंसान कुछ ना कुछ कारोबार करता है। जब इंसान कारोबार करता है, कोई भी शख्स हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी एतबार से अगर वो ताजिर है तो सोचता है कि हम तजारत करें तो उसके अंदर जो असल पूंजी लगाते हैं इंसान, जिसको हम सरमाया कह लें या कैपिटल कह लें या असल पूंजी कह लें, इंसान सोचता है कि जब भी हम कारोबार करें तो हमारा जो पूंजी है वो कभी खत्म ना होने पाए। क्यों? वो जानता है कि कारोबार के अंदर कभी नफा होगा कभी नुकसान होगा, लेकिन इंसान हमेशा ये कोशिश करता रहता है कि उसकी असल पूंजी खत्म ना हो। हमने दुनिया के अंदर कोशिशें की, दुनिया के अंदर जो तजारत हम करते हैं हमने उसके अंदर कोशिशें कर ली कि हमारी जो असल पूंजी है, जो कैपिटल जो सरमाया हमारा है, वो कभी खत्म ना होने पाए। मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या एक मोमिन की सिर्फ दुनिया की तजारत ही पूंजी है? क्या दुनिया की तजारत उसकी कैपिटल और उसका सरमाया बन सकता है? उससे बढ़कर एक सरमाया, एक कैपिटल और एक असल पूंजी जो है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके खातिर दुनिया के अंदर बेशुमार पैगंबरों को भेजा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वो असल पूंजी मेरे भाई तौहीद की पूंजी, असल सरमाया तौहीद का सरमाया है, इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी अहमियत को उजागर करते हुए पूरे बकरा के अंदर अपने तीसरे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी वजाहत के साथ इसकी अहमियत को उजागर किया।
हर इंसान को जानना चाहिए कि कुरान के अंदर जो भी बातें कही जाती हैं यकीनी मानो ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी सिफत को बयान करते हुए कहा ला रैब फीह, इसके अंदर कोई शक वाले नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल लजीन कफरू व मातू व हुम कुफार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्लुल अर्द, कि जो इंसान दुनिया के अंदर बसता है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए हुए खुराक को खाता है उसके दिए हुए रिस्क से अपने जिस्म को पालता है इन्नल लजीन कफरू व मातू व हुम कुफार, जो इंसान मर गया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी दी दुनिया के अंदर गुजार कर चला गया लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार ना किया इन्नल लजीन कफरू व मातू व हुम कुफार, वो मर गया इस हालत में जो कुफ्र करता था अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ गैरों को शरीक किया करता था فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب سب کا محاسبہ ہوگا اللہ رب العالمین سے کہے گا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے زمین برابر سونا دے گا اب سوچیں زمین کتنی بڑی ہے زمین بھر کر سونا دے گا کہے گا اللہ رب العالمین تو اس کو قبول کر لے اور اس کے بدولت اس کے بدلے میں ہمیں تو توحید کی نعمت دے دے ہمیں اسلام سے نواز دے لیکن اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے گا فلن یقبل اللہ رب العالمین اس دن زمین بھر کے سونا کو بھی قبول نہیں کرے گا کس کے بدلے میں تاکہ وہ توحید کو پالے میرے بھائیو یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی اور یہ ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہم پر اور احسان عظیم ہے جس کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں ہم نے توحید کے ساتھ اتنا کھلواڑ کیا ہے آپ دیکھیں معمولی سی تکلیف پہنچ جاتی ہے عورتوں کو معمولی تکلیف پہنچ جائے یا پھر بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے عورتیں کیا کرتی ہیں عورتیں کیا کرتی ہیں کالے پیلے دھاگے پہنانا شروع کر دیتی ہیں کیا شریعت کا طریقہ ہے کیا اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر اس چیز کی وضاحت کہیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو لوگ صرف کرتے ہیں اور جو لوگ تعویذ اور گنڈے کا اہتمام کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے ہم نے سمجھا نہیں کبھی توحید کو کیونکہ اس کے لیے ہم نے کبھی کچھ گنوایا نہیں ہے میرے بھائیوں کہنے میں بہت آسان ہے کہنے میں بہت آسان ہے توحید لیکن اس کے لیے کیا کیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر ایسے ایسے پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے پوری زندگی تکلیفیں اٹھائیں اور اس کا سب سے بہترین نمونہ اور آئیڈیل آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ زندگی کے اندر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کے علاوہ سکون نہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تکلیفیں اٹھاتے رہے اور کس کے خاطر اللہ رب العالمین نے تمام پیغمبروں کو بھیجا فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ لوگوں جان لو ہم نے جس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے وہ مقصد کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ایک سمجھانے والا ایک ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا بھیجا اور مقصد کیا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہے سب کی انکار کی جائے یہ اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کھا کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں طرح طرح کی یہاں تک کہ ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے اور ہر غم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے تھے انہوں نے کہا جب مکہ کے سردار ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لو اپنے بھتیجے کے سر سے اپنے سائے کو ہٹا لو اور کہہ دو اگر چاہتا ہے بھلائی تو چھوڑ دے اس دین کی دعوت و تبلیغ کو اور نہ اس کے لیے خیر نہیں ہے ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں اے بھتیجے یعنی اے محمد میرے اوپر اتنا بوجھ تو نہ ڈال اتنا میں برداشت کے قابل نہیں ہوں مکہ کے سردار قبیلہ قریش طرح طرح کی تکلیفیں دینے کی باتیں کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور سر سے سایہ ہٹانے کی بات کر رہے ہیں بتا کیا کیا جائے
आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई, ये जो हदीस का मंजर बयान करना चाहता है, हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान करना चाहते हैं वो ये है कि इस मंजर को आईने मुशाहिदा करें आप इस मंजर को इस तरीके से देखें कि गोया आपके सामने ये मंजर पेश किया जा रहा है, ये वाकया आपके सामने पेश किया जा रहा है, यकीन ईमानो में अपने आंखों से देख रहे हैं। जिस तरीके से आप समझेंगे तो यकीन ईमानो में उस तकलीफ को और उस तकलीफ के लिए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त की उसको इतनी तब आप समझ पाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, चचा लव वदअ अश-शम्स फी यमीनी, अगर मेरे दाहिने हाथ में, अगर मेरे दाहिने हाथ में पूरे मक्का वाले लाकर किस चीज को रख दे, सूरज को लाकर रख दे। आप सोचें ऐसी नामुमकिन सी चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी, मिसाल दी कि जो चीज ला नहीं सकता कोई इंसान, और अगर ले भी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं, लव वदअ अश-शम्स फी यमीनी, अगर मेरे दाहिने हाथ में कोई सूरज लाकर रख दे, वल कमर फी यसारिही, और बाएं हाथ में लाकर चांद को रख दे, फिर भी कहे कि मोहम्मद तू इस दीन को तौहीद की दावत को छोड़ दे, फिर भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्यों? आखिर मकसद क्या था? क्या यही मकसद क्या था कि आप तावीज और गंडे अपने बच्चों को लाकर पहनाए और जरा सी तकलीफ हो, वाहिना नामी बीमारी या दुनिया के अंदर कोई भी तकलीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन शादी के बाद दो चार साल बच्चे ना दे, आप तावीज और गंडे पहनाना शुरू कर दे, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदों की तखलीक का मकसद, आप सोचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर कितने मखलूक पैदा किए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसे मखलूक में शुमार किया है जिसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसा मखलूक बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकसद को भी बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि ऐ लोगो इंसान और जिन्नात की तखलीक का मकसद, उनकी पैदाइश का मकसद जो असल है, जो असल मिशन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए तुम्हें पैदा किया है, इल्ला लियाबुदून, ताकि तुम सबके सब एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान और जिन्नात की तखलीक और पैदाइश का मकसद बयान किया। हम सोचें, अपना मुहासबा करें कि हम क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मकसद पर पूरे उतर रहे हैं। आप देखते हैं तरह तरह की तकलीफें, तुर्की के अंदर जलजला आ रहा, आखिर इन सबके वजूहात क्या हो सकते हैं? हमने तौहीद को छोड़ा मेरे भाई, हमने तौहीद को छोड़ा है। आप देखें सहाबा की मिसालों को देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा को मिसाल और आइडियल बनाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, फइन आमनु बिमिथलि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, ऐ लोगो ईमान ले आओ उस तरीके से जिस तरीके से सहाबा है, उसी तरीके से अगर आप ईमान लाते हैं, आप सहाबा की जिंदगी को देखें मेरे भाई, सहाबा की तरीके से अगर आप ईमान लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके ऊपर से तमाम तर मुश्किलात को आसान कर देगा और ऐसे रास्ते निकालेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई जानने वाला ना होगा। आप देखें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ता निकालने पर आता है तो आप जंगे सूरह अहज़ाब को पढ़ें, आप खंडक के वाकये को आप देखें, मंजर ऐसा है पूरी दुनिया एक तरफ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा मुख्तसर सी जमात है एक तरफ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए मदद करता है। आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को मिसाल बनाया, फइन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ, क्या सहाबा ने ऐसी मिसाल बना दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा को? क्या सहाबा ने तकलीफें नहीं उठाई इस तौहीद के खातिर? सहाबा ने क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि नंगा होना और उन्होंने गवारा कर लिया, लेकिन तौहीद के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। आप देखें, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे पहले खातून जो शहीद की गई है, दुनिया के अंदर जो सबसे पहले खातून शहीद की गई है वो कौन थी? वो कौन थी? क्या ऐरू घैरू और नकू खैरू थी इसी? क्या उसने किसके खातिर अपने जान को कुर्बान किया? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अबू जहल सामने है, कह रहा है, पुकार रहा है कि इस दीन को छोड़ दे तू, इस दीन को छोड़ दे, मैं सब रास्ते तेरे लिए आसान कर दूंगा, सब रास्ते खोल दूंगा। लेकिन हज़रत सुमैया, यासिर भी मौजूद, अम्मार भी मौजूद, बेटा मौजूद है और शोहर भी मौजूद है मेरे भाई। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का देखिए, उनकी इस्तेकामत को देखिए, एक मामूली सी तकलीफ से हम तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, समझौता करने लगते हैं, तावीज और गंडे पहनने लगते हैं। भाइयों, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल कह रहा है, शोहर भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, अगर तूने तौहीद को नहीं छोड़ा, इस दावत को नहीं छोड़ा, इस इस्लाम को नहीं छोड़ा तूने, तो तुझे नंगा कर दूंगा। लेकिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, नंगा होना गवारा है लेकिन इस्लाम के साथ और तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज गवारा नहीं, उन्होंने और शहीद हो जाता है।
नंगा हो जाती है लेकिन कभी कंप्रोमाइज नहीं की जरूरत। मेरे भाइयों, इस मंदिर को आप देखें, सुनने में आसान है, कभी आपके घर वालों को नंगा किया जाए किसी के सामने, फिर आपको मालूम होगा कि तौहीद कहां से पहुंचा है जिसके साथ खिलवाड़ और तमाशा बना कर रखे हैं। आप देखें कितने ऐसे लोग होंगे जिनके गलों में पट्टियां पड़ी हुई होंगी, कितने ऐसे लोग होंगे जिसके हाथों में छल्ले लगे हुए होंगे। क्या इस्लाम इसी के खातिर आया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी की दावत की तबलीग के लिए पैगंबरों को भेजा? सलाम 950 बरस तक इसी दावत के लिए आए थे, इसी दावत को फैलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को भेजा। मेरे भाई, आप देख रहे थे बिलाल को, देख लीजिए सहाबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल बनाया, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काले कलूटे हैं, बहुत गोरे भी नहीं आजकल के लोगों की तरह, हबशा के रहने वाले हैं, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर वो अजान ना दे मस्जिद नबवी के अंदर तो नमाज तक होने वाली नहीं है। वही हजरत बिलाल जब ईमान लाते हैं और ईमान की दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उन्हें नसीब करता है तो उस बिलाल को इतनी तकलीफें दी गई, इतनी परेशानियां दी गई कि रोने लगा। हजरत बिलाल के सीने पर पत्थर रखे गए और गर्म तपती हुई रेत बालू पर लटाए गए और कहने वालों ने कहा भी, अरे बिलाल तुझे क्या जरूरत है इन तकलीफों को बर्दाश्त करने की, आखिर तू क्यों नहीं कह देता कि इस्लाम के अलावा मैं गैरों के भी मजाक को मानने वाला हूँ, आखिर क्यों नहीं तू इस धर्म को छोड़ने वाला है, क्यों नहीं तू इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है। हजरत बिलाल ने कहा नहीं, उनकी जुबान से आदात की सदाएं बुलंद होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, ये सदाएं बुलंद होती रहती हैं। तपती हुई रेत पर लिटाया गया, मेरे भाइयों आप गौर करें, आपके ऊपर अगर पत्थर रख दिया जाए तो आपके हालात कैसे हो जाएंगे, आपके सर से पसीना जमीन पर उतरने लगेगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर पर पत्थर रखा गया, सीने पर पत्थर रखा गया और तपती हुई रेत के अंदर उन्हें लिटाया गया, और अरब की तपती हुई रेत को नहीं जानता है, उस रेत में लिटाया गया। लेकिन हजरत बिलाल ने कभी नहीं समझौता किया उस मकाम को, आप समझे मेरे भाई, तब जाकर ये मकाम हजरत बिलाल को मिला। काले कलूटे हैं, मस्जिद नबवी के मौज़िन बने बैठे, ये बिलाल को ऐसे ही मुकाम मातमानी मिल गया। मेरे भाई, उनकी इस्तकामत को आप देखें और अपनी इस्तकामत को आप देखें, आपके अंदर कितनी इस्तकामत है, कितना आप मुस्बत ख्याल रखते हैं, कभी आपने सोचा? आपने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिंदगी दी है तो उसका कोई मकसद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकसद के तहत आपको पैदा किया, आपने उस मकसद को भुला दिया। आप देखें, मैं औरतों से कहना चाहता हूँ, ये बीमारी, ये वबा औरतों के अंदर खसूसी तौर से पाई जाती है कि अगर मामूली सी तकलीफ पर मेरी माएँ और बहनें तकलीफें आती हैं तो फौरन गले में तावीज़ और गंडे पहनाना शुरू कर देती हैं। सिर्फ तावीज और गंडे तक की बात नहीं रहती है बल्कि दरगाहों पे जाना, गैरों के सामने अपने सर को टेकना और उनकी नाम पर नजर नियाज पेश करना, यह आजकल के मुसलमान औरतों और मर्दों का सेवा बन चुका है। मेरे भाई, असल मकसद यही था, जितने नबी आए तमाम नबियों की दावत का मकसद यही था, इसीलिए मैं उभारना चाहता हूँ इस बात पर मेरे भाइयों कि इस तौहीद के मकसद को आप समझे, यकीनी मानो में आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। आप देखें, अल्लाह के रसूल सल्लम मेराज के मौके पर जाते हैं, एक अजीब सी खुशबू अल्लाह के रसूल सल्लम को महसूस होती है। अल्लाह के रसूल सल्लम रहते जिब्रील से पूछते हैं, बताओ क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी खुशबू हमारे तक हम तक पहुंच रही है और इतनी अजीब तर खुशबू है। अल्लाह के रसूल सल्लम पूछते हैं जिब्रील से, हज़रत जिब्रील कहते हैं, अल्लाह के रसूल ये फिरौन के महल के अंदर काम करने वाली एक लौड़ी की खुशबू है। कहा, मामला क्या था? एक मामूली सी लौड़ी और वो भी एक काफिर के घर में जो अपने आप को खुदा कहलाता है उसके घर में काम करने वाली औरत और वो भी लौड़ी, एक कमजर की औरत, उसकी खुशबू इतनी मुअत्तर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि अल्लाह के रसूल ये एक ऐसी औरत है जो फिरौन के महल में रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का इकरार करने वाली थी। वाकया पूरा बयान कर मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा। कहा कि ये ऐसी औरत है जो फिरौन के महल में काम करने वाली थी और उसके बाद में मामला बहुत दूर तक पहुंचा, वो फिरौन के महल में रहते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इकरार करने लगी, यहाँ तक मामला पहुंच गया। फिर फिरौन तक बात पहुंची, फिरौन ने कहा अगर इस बात से तू इकरार इनकार नहीं करेगी तो मैं तुझे जला दूंगा और तेरे बच्चों को राख कर दूंगा।
तरह तरह की धमकियां दी गई, लेकिन मेरे भाइयों उस औरत ने जो किया ये पॉइंट, ये है इस्तकामत और ये है तौहीद के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना। उस औरत ने फिरौन के महल में उसे पेश किया गया, कहा गया अला की रब्बी गैरन, मुसनद अहमद के अल्फाज हैं, फिरौन ने कहा अला की रब्बी गैरन, क्या तेरा मेरे अलावा और कोई भी रब है? कहने लगी हाँ रब्बी व रब्बुक अल्लाह, जो मेरा भी रब और तेरा भी रब और पूरी कायनात का जो रब वो रब है एक है। फिर उन्होंने तरह तरह की धमकियां दी, लेकिन उस औरत ने उस लौंडी ने नहीं माना। फिर भी यहां तक कहा गया कि उसे जला दिया जाए। एक औरत ने एक ख्वाहिश पेश की, उस लौंडी ने कहा कि मेरे राख को जलाने के बाद इधर उधर फेंकना नहीं, इकट्ठा कर देना कहीं जमीन के अंदर दफन कर देना। मामला यहां तक पहुंचा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया कि वही औरत है। जब सबको डाल दिया गया, एक मासूम सा बच्चा गोश्त के अंदर, सबको डालने के वक्त आग में जलाया गया, आग के अंदर दाखिल कर दिया गया, लेकिन औरत को तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ हुई लेकिन उतनी नहीं हुई जितना एक गोश्त के बच्चे से होती। हर बाप और हर माँ जानती है इस चीज को कि गोश्त के पास गोद में जो बच्चा होता है उससे कितनी मोहब्बत होती है माँ को। माँ आगे और पीछे वो औरत चलने लगती है। पूरा वाकया मुसनद अहमद के अंदर पढ़ेंगे मालूम होगा, वो बच्चा बोल उठता है या उम्मी तहमी फइन्ना अदाब अद्दुनिया अहवनु मिन अदाब अन्नार, ऐ मां तू इस आग के अंदर कूद जा, या उम्मी तहमी फइन्ना अदाब अद्दुनिया अहवनु मिन अदाब अन्नार, ऐ मां तू इस आग के अंदर कूद जा, क्यों वजह क्या है? फइन्ना अदाब अद्दुनिया अहवनु मिन अदाब अन्नार, ये दुनिया की आग जो है ये मामूली है किस आग से? जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग इससे बढ़कर है, इस आग में तू कूद जा, इसके बदौलत तुझे जहन्नम की आग से बचा लिया जाएगा। अब सोचे एक औरत जात है। इसी तरीके से आप पूरे कुरान को पढ़ लीजिए मेरे भाइयों, जितने वाकयात मिलेंगे जिसके सामने तौहीद की दौलत और तौहीद किए तौहीद का ये मलका जिसके सामने आशना हुआ, सबके सबने अपने घुटनों को टेक दिया, और हमें हमारे सामने आशना होते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान घराने में वरासत की तौर पर हमें इस्लाम दे दिया है। फिर भी हम उसके साथ समझौता और उसके साथ खिलवाड़ करते फिरते हैं। जिसने इसके लिए गंवाया उससे पूछिए मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ईमान वालों के लिए الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون। जो लोग ईमान लाए, الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم, और अपने ईमान को बचा कर रखे, महफूज करके रखे, नमाजों की पाबंदी करते रहे, जकात की पाबंदी करते रहे, रोजों की पाबंदी करते रहे, सौम सलात के पाबंद रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अवामिर को बजाते रहे और मनहियात से रुकते रहे, الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم, और अपने नफ्स को जुल्म से बचाते रहे। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्म से क्या मुराद है? اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الشرك لظلم عظیم, یہ شرک یہی ہے ظلم, شرک سب سے بڑا ظلم اللہ تعالی کے ساتھ ہے, یہ ظلم کے مقابلے میں۔ اور دنیا کے اندر جتنے ظلم ہوتے ہیں اور جتنے مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے, سب سے بڑا ظلم اللہ تعالی کے عالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا ہے۔ اور میں آپ کو اس بات اور بتا دوں, कोई ये सोच ले कि मेरे घर वाले तौहीद परस्त हैं, मेरे घर वाले आलिमे दीन हैं, इसके बदौलत मैं कितने शिर्क के अंदर डूबा रहूं, शिर्क की गलासतों के अंदर मैं मुलविस रहूं, और ये सोच ले इंसान कि उसकी मसरत और बख्शिश हो सकती है, तो जान मेरे भाई कभी नहीं हो सकती है। अगर हो सकती थी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा डूबता नहीं था। आप पूरे कुरान को पढ़ें और कुरान के अंदर खसूसी तौर पर इस वाक़े को आप पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े को नक़्ल किया है कि बाप और बेटे के अंदर गुफ्तगु हो रही है, बाप कह रहा है नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आ जा बेटा, कश्ती के अंदर सवार हो जा और एक रब को मानने वाला तो हो जा, बचा लिया जाएगा। लेकिन बेटा बार बार कहता है नहीं बुझा, मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊँगा, जब लहर आएगी तो मैं पहाड़ी पर चढ़ जाऊँगा, ऊँचाई पर चढ़ जाऊँगा। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का वक़ाल बैनहुम अल-मौज़ मिन अल-मुग़रिक, बाप और बेटे की गुफ्तगू हो रही है, बाप बेटे की गुफ्तगू कर रहे हैं इस बात के लिए कि तू बचा लूं, अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों ये नबी थे जो अपने बेटे को नहीं बचा सके। وحال بينهم الموج فكان من المغرقين, बेटा गर्क कर दिया गया।
ये कोई ना समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके घर में किसी को पढ़ाया लिखाया है, पढ़ने की तौफीक दी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान समझिए। और ये ना सोचिए कि एक घर में कोई एक तौहीद परस्त है तो इससे पूरा घर तौहीद परस्त हो सकता है। अपने आप का खुद मुहासबा करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरह हश्र के अंदर खुसूसी तौर पर जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वलतन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और उस दिन के लिए अपने नफ्स का मुहासबा करो। वलतन्ज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपकी पेशिन गोई होगी, आप पेश किए जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पेशकश करेगा और सवालों को आपके जवाब देना होगा, तो आप कहां से लाएंगे जवाब? आप कहां से लाएंगे? ये शिर्क में डूबे हुए लोग कहां से अपने आप को शिर्क से बचाने वाले अमल लाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, मेरे भाइयों अगर बचना चाहते हैं तो यकीन ईमानों में अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन फरमान को नाफिज किया है उन फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना होगा, और जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है उन मनहिया से आपको रुकना होगा। आप देखें हदीस को पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा गुनाह इज्तनिबु सबअ मिनल मुमिकात, सात हलाक करने वाले गुनाहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला क्या जिक्र किया है? अशर्क बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ किसी को शरीक करना ये हलाक करने वाले बर्बाद करने वाले गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, और ये हलाकत और बर्बादी ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए है। आप एक चीज जान लें कि ये दुनिया के अंदर हलाकत और आखिरत के अंदर हलाकत ये दोनों बर्बादियों को शामिल करता है। आप सोचिए कि तौहीद मेरे भाई इतनी आसान सी चीज नहीं है। आपने गवाया नहीं, मैं बारह बात के तुम गवाया नहीं आपने इसके लिए कुछ, इसलिए आपको पता नहीं है मेरे भाई। आप देखिए, आपने कभी वसीयत की अपने बच्चों को? हर बाप हर गार्जियन जो होता है मरते वक्त अपने बच्चों को वसीयत करता है, सिखलाता है कि फला चीज इसको देना, फला चीज इसको देना, फलाए बेटे को देना, ऐसे ऐसे। लेकिन क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे और अलल एलान में पूछना चाहता हूं इस चीज को सभी लोगों से कि क्या आपने अपने बच्चों से कभी ये कहा कि मेरे मरने के बाद तू किसकी इबादत करेगा, किसके सामने अपने सर को झुकाएगा? क्या या आपने ये नहीं पूछा कि क्या मैं गैरों के सामने अपने सर को झुकाकर चला आया हूं, क्या तू भी तो नहीं गैरों के सामने झुकाने लगेगा? क्या आपने कभी पूछा कि मैं अपने हाथ में तावीज और गंडे पहने हुआ हूं, क्या तू भी पहनना शुरू कर देगा? मेरे भाइयों, ये औलाद की तरबियत के अहम पहलू मैं जो आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, आप जाने और इसके मुताबिक अपने बच्चों की तरबियत करें। हर बाप की हर माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की तरबियत में ये एक अहम रोल और किरदार अदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया उस मंजर को बयान करते हैं, आप सूरह बकरा को पढ़िए और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाकये को जिक्र किया जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया। أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت جب حضرت يعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا اور جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آنے لگے أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت تو يعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا إذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی کہ اے میرے بیٹو اے میرے بچوں بتلاؤ تم میرے مرنے کے بعد ما تعبدون من بعدی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کس کی بندگی کرو گے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر تم اپنے رب کے علاوہ غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا تو نہیں شروع کر دو گے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرنا شروع نہیں کر دو گے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں سے مانگنا تم شروع نہیں کر دو گے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی قبر پر جا کر پوجا اور پرستش کرنا شروع نہیں کر دو گے؟ اللہ رب العالمین کے اس پیغمبر نے اس نبی نے سوال کیا یہ پوچھا اور یہ امت والوں کو تعلیم اور تربیت کر رہا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی کہ اے لوگو جان لو یہ امت والوں کے لیے اور یہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان آنے والے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے اور جو یہ گزر چکے ہیں تمام لوگوں کے لیے یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر بیان کر دی ہے کہ تم بھی اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے سوال کرو ما تعبدون من بعدی کہ میرے بچوں بتلاؤ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے کس کی بندگی تم کرنے والے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کی پیغمبر اللہ رب العالمین کی نبی تھی میرے بھائی، یہ یقین تھا کہ میرے بچے
तौहीद परस्त होंगे। ये सवाल कर रहे हैं माँ चाबूजू ने मिम्बाजी कि तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करने वाले हो, क्या गैरों के सामने तुम अपने सर को झुकाने वाले तो नहीं हो गए? आप सोचें क्या आपके बच्चे कैसे, हर बाप सोचे, हर माँ सोचे इस चीज को, हर जिम्मेदार सोचे कि क्या आप तो खुद पूजा करते हैं गैरों के सामने, आप खुद गैरों के सामने अपने सर को झुकाते हैं, जरा सी तकलीफ हुई तावीज और गंडे पहनना शुरू कर देते हैं, क्या आपने कभी सवाल करना गवारा नहीं किया? क्या आपके जहनो दिमाग के अंदर चीज कभी नहीं आई? क्या आपके अंदर एक खलमल और एक खलमंडल कभी नहीं मची? क्या आपने बच्चों से इस चीज को पूछे कि तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? क्या आपने कभी सवाल किया कि तुम ये तावीज और गंडे, ये जो छल्ले फैशन के तौर पर तुम पहने हुए हो, क्या शिर्क के मुसाबे नहीं है? क्या आपने कभी सवाल किया इस चीज के बारे में? मेरे भाइयों, दुनिया की तमाम तर बुराइयां लेकर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के माफी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मगफिरत अपनी रहमत से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से लोगों की मगफिरत कर सकता है, लेकिन शिर्क के लिए कोई माफी और कोई गुंजाइश नहीं है। क्या आपने इसके बारे में कोई सवाल किया अपने बच्चों से? एक तरबियत के भाई मैं आपको बताकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, ये भी तौहीद के ताल्लुक से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तौहीदी तरबियत कैसे करते हैं, कैसे बतलाते हैं कि तौहीद की तरबियत ऐसे किया जाए? इब्ने अब्बास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठे हुए सवारी पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका होता था छोटे बच्चों को गुलाम कहा करते, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, क्या गुलाम क्या मैं तुझे चंद कलमात ना बता दूं जो तेरे लिए फायदेमंद हो, जो तेरे लिए फायदेमंद साबित हो जाए, जिससे तू फायदा उठा सके? कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं बतलाइए? ये जज्बा होता था बच्चों के अंदर उस वक्त, ये जज्बा होता था उस वक्त के लोगों के अंदर। कहा अल्लाह के रसूल बतला दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इहफ़िज़ुल्लाह यहफ़िज़का, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद की हिफाजत करना, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की हिफाजत करना, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस्लाम की हिफाजत करना, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तुम्हें ईमान दिया तुम उसकी हिफाजत करना, इहफ़िज़ुल्लाह तजिदहु तुजाका, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उमूर की हिफाजत करना, पहला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तुम मामिलात यानी तौहीद की इबादत करना, दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नमाज का पाबंद बनाया है, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर रोजों को फर्ज किया है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमर बिल मारूफ और नहि अनिल मुनकर का फरीजा तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया है, इन तमाम तरमूर को तुम ख्याल रखना, इसकी पाबंदी करना, इहफ़िज़ुल्लाह तजिदहु तुजाका, तुम इसका ख्याल करना, और जान लो इदा साल कफस अल्लाह, जब तुम्हें सवाल करना हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कुछ देना चाहता हो और उसमें कोई चीज रुकावट पैदा हो रही हो, दुनिया वाले तुम्हें तकलीफें दे रहे हैं, इदा साल कफस अल्लाह, तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना, गैरों के सामने कभी अपने सर को ना झुकाना, अपने सर को कभी खम ना करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने सर को झुकाना, वही दस्तान तफस्तान बिल्ला, और दुनिया वाले तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, तुम्हें मुसीबत पहुंच गई है, तुम्हें मुसीबत से छुटकारा चाहिए। आप देखें पैगंबरों को देखें, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकलीफें दी तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही को पुकारा, कोई तकलीफ आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मांगा, वही दस्तान तफस्तान बिल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से मांगना, गैरों के सामने अपने सर को ना झुकाना, गैरों के सामने कभी मुतालबा ना करना, और जान लो वह आलम अनल उम्मत, और पूरी उम्मत मिल जाए मेरे भाइयों, ये तमाम उम्मत वालों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दावत है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, मर्द हो या औरत हो, तमाम लोगों के लिए दावत है, वह आलम अनल उम्मत लव इस्तमअत अला अन यनफऊक बिशयइन लम यनफऊक इल्ला बिशयइन कद कतबहु अल्लाह लक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनी तौर पर बयान कर दिया और कहा कि अपने सीनों के अंदर चीज को नक्श कर लो, इसका नक्शो निगार कर लो तुम, वालम अनल उम्मता लव इस्तमअत अला अन यनफऊक बिशयइन लम यनफऊक इल्ला बिशयइन कद कतबहु अल्लाह लक, कि पूरी कायनात के लोग मिल जाए और चाहें कि तुम्हें फायदा पहुंचा सके, तुम्हें कोई फायदा दे दे, तुम्हें चाहे कि तुम मालदार बन जाओ, तुम्हें चाहे कि दुनिया वालों की नजर में तुम अमीर बन जाओ, गांव का मुखिया और मंत्री बन जाओ, तो कभी नहीं हो सकता है जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे, यानी तकदीर का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होता है, और तकदीर के खैर और शर पर ईमान लाना ये तौहीद की सबसे अहम पहलू है मेरे भाई, इसी में लोग गड़बड़ करते हैं सबसे ज्यादा, और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आपको तकलीफें देता है, परेशानियां देता है, फौरन आप अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लेते हैं,
आप अपनी तकदीर पर यकीन रखिए, आप अपनी तकदीर पर भरोसा रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी तकदीर के अंदर ये चीज लिखा है, इसीलिए चीज हुई है। आप गैरों के सामने अपने सर को कभी ना झुकाएं। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के आगे बयान किया, वलम इस्तमाउ अला अन यदुरूक बिशैइन लम यदुरूक इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह लक, कि लोगों जान लो अगर पूरी कायनात के लोग मिल जाएं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, चाहे किसी जरूरत पहुंचा दे, चाहे किसके साथ नाइंसाफी हो जाए, कोई नहीं कुछ कर सकता है। दुनिया के अंदर कितने भी नुकसान पहुंचाने वाले हो लेकिन कभी नहीं पहुंचा सकते मेरे भाइयों। चाहे फिरौन जैसे लोग पैदा हो जाए, वलम इस्तमाउ अला अन यदुरूक बिशैइन लम यदुरूक इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाह लक, कोई पहुंचा ही नहीं सकता उतना ही जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर में दिया है। और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुफियतिल अक़लाम वजफ़तिस सुहफ़, कलमें उठा ली गई है और सहीफे बंद कर दिए गए मेरे भाइयों। इसके बाद तकदीर के अंदर रद्दोबदल होने वाली नहीं है, आप इस बात पर यकीन कर लीजिए। यकीन ईमानों में आप तौहीद के प्रस्तुत करने वाले हो जाएंगे, तौहीद के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने वाले हो जाएंगे। आप देखिए पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के देखते रहिए, और वक्त ज्यादा हो चुका है। मैं बताना ये चाहता हूँ आप लोगों को कि तौहीद के साथ कभी समझौता ना करना, तौहीद के साथ कभी कंप्रोमाइज ना करना, क्योंकि असल पूंजी और असल कैपिटल और सरमाया हमारा और आपका यही तौहीद है। तौहीद के नाम एक बताका आप जान लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का बताका भी वही है जो इस्लाम और मोमिनों को मिलने वाला है कयामत के। इसी बताके के जरिए तमाम तर गुनाहें आपके एक तरफ होंगी, और ये कार्ड जो होगा इसे आप शादी कार्ड के लीजिए, कोई भी कार्ड के लीजिए, कार्ड के जरिए आप पहचान लीजिए कि एक बताका नामी है, जिससे बताका आप पढ़ेंगे उसमें है कि एक बताका कयामत के दिन एक मोमिन को एक तौहीद परस्त को दिया जाएगा, और उस बताके के जरिए एक तरफ उसको रखा जाएगा और एक तरफ पूरे 99 रजिस्टर होंगे जिसमें गुनाह ही गुनाह होंगे, एक तरफ उसको रखा जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देगा, कहेगा तौलो इसके नाम अमल को तौलो। बंदा कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन 99 रजिस्टर एक तरफ और एक बताका मामूली सा कार्ड एक कागज का वो एक तरफ है, कैसे क्या होने वाला है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा यही बताका तुम्हारा असर, यही बताका तुम्हारा कैपिटल और सरमाया दुनिया के अंदर था, इसी बताका के जरिए तुम्हारी मगफिरत हो सकती है, यही बताका भारी पड़ जाएगा मेरे भाई, यही कार्ड तो कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद हमारे लिए भारी होगी, और यही तौहीद सबसे असल पूंजी मेरे भाई होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि कयामत के लिए इंसान जो दुनिया के अंदर मकसद कर ले वही है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमल सालिहन फौलाइका युबदिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरवाजा खोल दिया है। अगर आपने शिर्क की आप शिर्क के गलातों में मुलव्वस थे, आप शिर्क करते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमल सालिहन फौलाइका युबदिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि आप तौबा कर लें, ईमान वाले हो जाएं, आपकी गुनाह नेकियों में तब्दील कर दी जाएंगी, और यही है फौलाइका युबदिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये नेकियां आपकी बुराइयां नेकियों में तब्दील कर दी जाए, इससे बढ़कर क्या हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौहीद की अहमियत समझने और तौहीद के लिए जो परेशानियां सहाबा ने उठाया और पैगंबरों ने जो उठाया है उसकी उन परेशानियों को समझते हुए और हमें तौहीद के साथ समझौता ना करने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया के अंदर कोई भी मुसीबत कोई भी परेशानी है तौहीद के साथ खिलवाड़ करने वाला ना बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान इस्लाम पर जिंदा रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो भी औलाद होंगे औलाद की नसीब फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो भी परेशान हाल है इस परेशानी की वजह से तेरे दर को छोड़े हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी परेशानियों को दूर कर दे और तू उसे अपने दर से जोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें दुनिया के अंदर ईमान इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो और मरने के बाद जन्नत फिरदौस के अंदर जगह अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल अज़ीम ونفعنا بإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.